एवरीवन नमस्ते, केम छो, कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सब मस्त होगे, ठीक होगे और मजा मोगे। सो एक सिंपल सा स्किन केयर रूटीन का जो रूल है वो आप सबको पता है, यानी CTM, सी फॉर क्लींजिंग, टी फॉर टोनिंग एंड एम फॉर मॉइस्चराइजिंग। एक ऐसा स्टेप है जो आप में से मोस्ट ऑफ लोग जो है वो मिस कर रहे होंगे, या तो उसकी इम्पोर्टेंस क्या है वो आपको पता नहीं होगी। वो है हमारी स्किन को मसाज देना। एटलीस्ट एक मिनट के लिए आपको आपकी स्किन को मसाज करनी ज़रूरी है, ताकि मसाज से क्या होता है कि हमारी फेस का और स्किन का ब्लड सर्कुलेशन इम्प्रूव होता है, हमारी स्किन फर्म बनती है, टाइट बनती है, फेस रिलैक्सेशन में हमें काफ़ी हेल्प मिल जाती है। बट उसके लिए हमारे पास एक बहुत ही अच्छी सी मसाज क्रीम तो होनी ही चाहिए, राइट? तो आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ एक अमेजिंग सी मसाज क्रीम, जो आपकी मोस्ट ऑफ जो स्किन प्रॉब्लम है उसको सोल्व करने में आपको हेल्प करेगी। इससे आपकी स्किन फर्म बनेगी, टाइट बनेगी, हाइड्रेशन लॉक करने में आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। इससे आपकी स्किन का कोलाजन जो प्रोडक्शन है वो इंक्रीज होगा, ताकि आपकी स्किन बहुत ही अच्छे से यूथफुल और रेडियंट बनेगी। तो यहाँ पर मैं आपको DIY मसाजिंग क्रीम बनाना सिखाऊँ। उससे पहले आप सबको पता है कि मेरी चैनल में गिव अवे चल रहा था, एंड गिव अवे के जो विनर थे वो काफ़ी महीनों से उसके विनर अनाउंस करने बाकी थे। तो जो तीन विनर है वो है चांदनी पंडिया, सेकेंड है श्वेता राजपूत एंड थर्ड है ठाकुर कोमल सिंह राठौर। तो ये तीन विनर है गिव अवे 17 के। यहाँ पर आपको मेरी मेल आईडी दिख रही होगी, तो ये मेल आईडी में आप लोगों को पूरा एड्रेस विथ मोबाइल नंबर, आपका पूरा नाम मुझे सेंड कर दीजिए, ताकि आप लोगों की जो गिफ्ट है मैं सेंड करवा दूँ। तो आज से यहाँ पर गिव अवे 17 जो है वो पूरा होता है, गिव अवे 18 स्टार्ट होता है। तो गिव अवे 18 में अगर आपको पार्टिसिपेट करना है तो जस्ट सिंपल से दो या तीन रूल्स को आपको फॉलो करना है। एक तो अगर आपने मेरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर लीजिए। सेकेंड, आपको वीडियो को लाइक करना है, और थर्ड, आपको वीडियो में कंपलसरी कमेंट करनी है #participate, #giveaway18, #VGFam, और आपको मेरा वीडियो कैसा लगा। एंड साथ में गिव अवे 18 के जो तीन विनर है, यहाँ पर तीन विनर रहेंगे, वो एक महीने के बाद अनाउंस करूंगी। तो सबसे पहला हमें जो इंग्रेडिएंट चाहिए वो है फ्लेक्स सीड, यानी अलसी के दाने, जो आपको ग्रोसरी स्टोर पर इजीली मिल जाएंगे। जब आप अलसी के दाने आपके चेहरे के ऊपर यूज करते हो तो आपकी स्किन का कोलाजन है वो बूस्ट होता है, आपकी स्किन फर्म बनती है, रेडिएंट बनती है, और इसका जो जेल है वो इजीली हमारे फेस के ऊपर ग्लाइड हो जाता है और काफ़ी चिकना होता है, ताकि मसाज भी हम अच्छी तरीके से कर पाते हैं और साथ में हमारी स्किन का ग्लो बढ़ता है। इसके अंदर हाफ ग्लास से भी थोड़ा सा कम पानी डालना है और धीरे धीरे करके आपको ये अलसी के दाने पकाने हैं। जैसे जैसे आप इसको पकाते जाओगे ना, तो अलसी का जो पानी है वो थोड़ा सा गाढ़ा होता जाएगा, जल जैसी कंसिस्टेंसी आपको यहाँ पर धीरे धीरे करके मिलती जाएगी। तो 5 to 7 मिनट्स के लिए आपको इसे बॉइल करना है। उसके बाद देखोगे तो इंस्टेंटली इसका जो पानी आधा हो जाए ना, तो इंस्टेंटली आपको इसे स्ट्रेन कर लेना है। अगर आप वेट करोगे कि जब ये ठंडा हो जाएगा उसके बाद मैं इसे स्ट्रेन करूँगी, तो जेल बिल्कुल भी निकलेगा नहीं। तो जब ये गर्म हो उसी टाइम आपको इसे स्ट्रेन कर लेना है, तो थोड़ा सा आपको जेल जैसी कंसिस्टेंसी जैसा आपको यहाँ पर पानी मिल जाएगा। अब इसको आपको कंप्लीटली ठंडा हो जाए उतने टाइम आपको वेट करना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट तीन इंग्रेडिएंट डालूंगी जो मसाज क्रीम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले यहाँ पर मैं ऐड करने वाली हूँ ओलिव ऑयल। यहाँ पर मैं 1 चम्मच जितना ओलिव ऑयल लूंगी। उसके बाद यहाँ पर मैं लूंगी 1/2 चम्मच जितना ग्लिसरीन। अगर आपको नहीं पता तो हाइड्रेशन के लिए ग्लिसरीन काफ़ी हमें हेल्प करता है, ग्लिसरीन डार्क स्पॉट को दूर करने में, और जो पिगमेंटेशन है उसको लाइटन करने के लिए ग्लिसरीन काम आता है। लास्ट में आपको 1 विटामिन E की कैप्सूल लेनी है। एक क्रीम को मिक्स कर लीजिए, ताकि सारे जो इंग्रेडिएंट हमने यहाँ पर लिए हैं वो अच्छी तरीके से मिक्स हो जाए। तो आप देखोगे तो इस तरीके की जेल जैसी कंसिस्टेंसी आपको मिलेगी, आप बोल सकते हो कि सीरम जैसी कंसिस्टेंसी। तो आपको दिन में एटलीस्ट एक बार तो यूज करना ही है। आप इसको 15 डेज के लिए कंटिन्यू यूज करके देखिए। आप क्या करना है कि 5 to 6 ड्रॉप लेने हैं आपके हाथों में, फिर आपको फेस के ऊपर लगाने के बाद हल्की हल्की हाथों से अपवर्ड मोशन में मसाज करनी है। आप फोरहेड के ऊपर, चिक्स के ऊपर, ऐसे 1 to 2 मिनट्स के लिए मसाज कीजिए। मसाज करने से एक तो हमारा जो फेस की स्किन का ब्लड सर्कुलेशन होता है वो भी इम्प्रूव होता है, साथ में ये सारे इंग्रेडिएंट के आपको बेनिफिट मिलेंगे। आपकी स्किन फॉर्म बनेगी, टाइट बनेगी, हाइड्रेशन लॉक होगा, आपकी स्किन का जो ग्लो है वो भी धीरे धीरे करके इंक्रीज होता जाएगा। 1 से 1.5 मिनट के लिए आपको अच्छे से मसाज करनी है। जब आपको लगे कि हाँ ये कम्प्लीटली स्किन के अंदर मसाज क्रीम चली गई है, तब आपको हल्के गुनगुने पानी से आपका चेहरा धो लेना है। इसके बाद ना मॉइस्चराइजर लगाना बिल्कुल भी ना भूले। ये जो यूज़ करती हूँ ये है
न्यूट्री ड्रम का विटामिन ई वाला मॉइस्चराइजिंग लोशन। अगर आपकी स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई है, बहुत ज़्यादा सेंसिटिव स्किन है, जल्दी से आपको कोई भी मॉइस्चराइजर सूट नहीं करता है ना, तो आई थिंक आपको ये मॉइस्चराइजर ज़रूर ट्राई करना चाहिए, क्योंकि मेरी जो स्किन है ना वो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव स्किन है। जब भी आप डे टाइम में बाहर जाते हो, धूल मिट्टी पॉल्यूशन और यूवी रेस के कारण हमारी स्किन होती है, स्किन की ऊपरी परत होती है, वो डैमेज होना स्टार्ट हो जाती है, स्किन के सेल भी डैमेज होना स्टार्ट हो जाते हैं। तो ये विटामिन ई वाला मॉइस्चराइजिंग लोशन आपकी स्किन को हील भी करेगा, आपकी स्किन को रिपेयर करेगा, अच्छे से आपकी स्किन को नमी प्रोवाइड करेगा और आपकी स्किन स्मूथ रहेगी, सॉफ्ट रहेगी। तो ये जो प्रोडक्ट है वो ऑलरेडी मैं वीडियो में टैग कर दूंगी व्यू प्रोडक्ट में जाके, वहाँ से आप इजीली इसको परचेज कर सकते हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय गाइस, टेक केयर एंड आई लव यू ऑल सो मच।